नमस्कार दोस्तों, सूरज का स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे आप कोई भी ब्राउज़र यूज करते हैं तो जो आपका ब्राउज़र होता है वो आपका पासवर्ड को सेव करके रखता है। उस सेव्ड पासवर्ड को आप कैसे देख सकते हैं, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र है मेरे पास, अभी मैंने इसको खोला, तो इसमें अगर हमने कोई पासवर्ड सेव करा हुआ है तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है उसका। या सबसे पहले आपको ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ आप देखेंगे ये एक ऑप्शन आता है ऑटो फिल के अंदर पासवर्ड्स का। यहाँ जितने भी हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं जिसमें जहाँ हमने पासवर्ड सेव किया हुआ है वो सारा ये हमें यहाँ दिखा रहा है, लेकिन सारा क्या है, हाइड है। तो अनहाइड हम कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे ही हमने सपोज करें हमारा ये वेबसाइट है, ये हमारा यूजर नेम है और ये हमारा पासवर्ड है, लेकिन ये पासवर्ड क्या है, अभी हाइड है। इसको हम देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जैसे आई का ये दिख रहा है हमें इमेज, शो पासवर्ड यहाँ दिखा रहा है, जैसे हमारा माउस से कर्सर वहाँ जा रहा है, हमें ये दिखा रहा है कि शो पासवर्ड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा कि जो आपका एडमिन है सिस्टम का उसका पासवर्ड हमसे पूछेगा। तो जैसे ही हम इसमें पासवर्ड एंटर करेंगे ये हमें जो पासवर्ड हमारा सेव है वो हमें दिखा देगा। तो आइए अब हम देखते हैं, हम अपना पासवर्ड यहाँ एंटर करते हैं, देखते हैं ये हमें पासवर्ड कैसे दिखाता है। ये हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है, देखते हैं। देखिए ये हमें दिखा रहा है कि जो हमारा पासवर्ड है, ये हमारा पासवर्ड है, ये भी इस वेबसाइट का, ये हमारा, ये हमने ये पासवर्ड सेव करा हुआ है और इस पासवर्ड को हमारे ब्राउजर ने सेव करके रखा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि जो आपका ब्राउजर है आप उसने कौन कौन सी वेबसाइट की का पासवर्ड आप उसने सेव किया हुआ है। जो हमारा ब्राउजर होता है वो हमसे पूछता है सेव करते समय, डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड, यस नो, सेव डोंट सेव। तो यहाँ आप देख पा रहे कि इतना हमारे पास वेबसाइट है जिसका पासवर्ड हमारे ब्राउजर ने सेव करके रखा हुआ है, तो हमें लॉगिन करते उसमें बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आपको दूसरे ब्राउज़र की बता के बारे में बताते हैं, जो हमारा मोजिला फायरफॉक्स, वो भी हमारा पासवर्ड सेव करके रखता है, बट थोड़ा सा तरीका हमारा उससे अलग होता है। से ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में हम जाएंगे, यहाँ से हम लॉगिन एंड पासवर्ड में दिखाता है। जैसे हम लॉगिन और पासवर्ड पे जाएंगे ये दिखा रहा है कि ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा यूजर नेम है, ये हमारा पासवर्ड है। जैसे हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ये हमें, अगर हमने यहाँ से चूंकि एडमिन का प्रिविलेज पहले से दे रखा है इसलिए इसने हमसे नहीं पूछा था, भाई ये भी यहाँ भी हमसे पूछता है कि जो आपका एडमिन है सिस्टम का उसका डिटेल यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड भी आपको दिखाया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी ब्राउजर होता है आपका वो जो पासवर्ड सेव करता है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। यही सेम तरीका आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल का अपना गूगल का होम पेज खोला हुआ है क्रोम ब्राउजर के अंदर, इसमें ये आपका सेटिंग दिखाता, ये आपका सेटिंग है। इस सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका न्यू ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ आप सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है पासवर्ड्स पे। जैसे ही आप पासवर्ड्स पे क्लिक करेंगे ये एक नया ऑप्शन यहाँ दिखाता है, सेव पासवर्ड्स, ऑटो साइन इन,
ये ऑटो साइन इन है कि जैसे हमने ब्राउजर का पासवर्ड सेव कर रखा था ऑटोमेटिक ये साइन इन कर देगा। ये पासवर्ड्स है, ये हमारा वेबसाइट है, ये यूजर नेम है, और जैसे हम यूजर नेम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ये हमारा पासवर्ड यहाँ दिखा देगा, जिसमें हमें बताता है कि ये साइट है हमारा, ये आपका यूजर नेम है, ये आपका पासवर्ड। यहाँ भी हमें जो हमारे मोबाइल का जो पैटर्न है या लॉक स्क्रीन है या पासवर्ड जो भी, हमें यहाँ आई पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछेगा कि अपना पैटर्न है वो आप डालें, आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ तो वो डालें, तो क्या करेगा उसके हमारा पासवर्ड ये दिखा देता है। आपने देखा कैसे ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि जिसकी सहायता से आप आपका जो ब्राउजर है उसमें जो भी पासवर्ड सेव है उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे हम जो भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। धन्यवाद।